नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों, आज भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारी न्यूज आ रही है आईपीएल को लेके। तो भाई, वीडियो को जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा देखते रहिए। आज जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमएस धोनी के साथ में। तो भाई, हम सभी के मन में जो है डाउट है, सवाल है कि आखिरकार धोनी जो है नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करने के लिए क्यों आ रहे हैं। तब इसका जो है खुलासा भाई जो अपने धोनी थे खुद जो है मैच के बाद में दिए। यहाँ पे जो है उन्होंने मतलब ये बोला कि धोनी जो है काफी लंबे समय तक जो है बैटिंग नहीं किए हैं मैच के अंदर, और जो उनको मतलब कि जो पूरी टीम थी चेन्नई की, उनको जो है 14 दिन के लिए भाई क्वारंटीन किया गया, जो कि धोनी के लिए जो उनकी बैटिंग थी वो उनके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुई। तो इसके चलते जो भाई धोनी काफी लंबे समय से बैटिंग नहीं किए हैं, और वो जो है अपने आप को थोड़ा सा और टाइम देना चाहते हैं। इसके चलते जो है धोनी ने अपने आप को नंबर 7 के ऊपर प्रमोट किया, और यही एक वजह थी जो कि धोनी ने बताई है। अब बात करते हैं भाई केकेआर के लिए जो बहुत ही बड़ी खुश खबर आ रही है इसके साथ में और आज के मैच की। आज जो है भाई मुंबई और केकेआर का मैच है, जिसके लिए जो है सभी केकेआर के फैंस के मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल था कि क्या केकेआर के लिए पैट कमिंस, टॉम बेंटन और जो अपने मॉर्गन है वो पहले मैच में अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, जिसको लेकर जो बहुत ही खुशखबर ये आ रही है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट यही दावा कर रही है केकेआर के लिए जो है मॉर्गन, बेंटन और जो कमिंस है वो उनके लिए पहले मुकाबले में अवेलेबल रहेंगे, और आज के मुकाबले में जो है तीनों प्लेयर शायद से खेल सकते हैं। यहाँ पे जो है दो तो फिक्स है, मॉर्गन और जो कमिंस है ये फिक्स खेल सकते हैं, उनका जो भाई क्वारंटीन है वो खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो केकेआर है वो मॉर्गन और कमिंस को खिला सकती है आज के मुकाबले में। साथ ही में जो भाई यहाँ पे जो है दिनेश कार्तिक ने दो बड़े खुलासे किए कि जो अपने शुभमान गिल है और सुनील नारायण है, इनके साथ में ओपनिंग की जोड़ी केकेआर की टीम जा सकती है। और लास्ट में जो भाई ये कहे रसल को लेके कि बस जो मतलब कि रसल है उनका जो पूरा वर्क लोड है उसको जो है भाई ग्राउंड के ऊपर कार्तिक और जो मॉर्गन है वो मैनेज करेंगे, कि यहाँ पे जो है हम सभी को शायद से ये साल के आईपीएल में जो है रसल उतनी ज्यादा गेंदबाजी करते हुए दिखाई ना दे, उनका जो वर्क लोड है वो बराबर मैनेज होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक जो है भाई इस पूरे T20 फेस्टिवल में पैसे नहीं कमाए तो आपके लिए अच्छा मौका है, My11Circle ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो कि भाई इस ऐप के अंदर जो है आप सभी लोग चैंपियन लोगों के साथ में खेल सकते हो, राशिद खान, सौरव गांगुली और शेन वॉटसन। और भाई ये जो है पूरे सीजन में गांगुली अपनी टीम बनाएंगे My11Circle पे, अगर आपकी टीम ने इनको हरा दिया तब आपको जो है आपके विनिंग का 2 गुना कैश सीधा आपके वॉलेट में मिलेगा, और यहाँ पे जो है आप सभी को हर हफ्ते जो है 1 करोड़ का जो कॉन्टेस्ट है वो जीतने का भी मौका मिल सकता है। तो भाई आप जो है इस ऐप के अंदर रम्मी सर्कल भी खेल सकते हो। बात करते हैं डिपॉजिट की, तो आप लोग जो है अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम भाई डिपॉजिट करते हो तो आपको जो है भाई ₹1500 का कैश बोनस डायरेक्टली मिलेगा, और साथ ही में बात करते हैं सबसे स्पेशल ऑफर की जो कि सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए मौजूद है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो और अगर आपने जो है इस ऐप को हमारे डिस्क्रिप्शन या फिर जो है भाई पिन कमेंट डाउनलोड किया तब आपको जो है 20% का डिस्काउंट कैशबैक जो है सीधा आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो भाई देरी मत कीजिए, अब भी डाउनलोड कीजिए और खेलिए। बात करते हैं स्मिथ और बटलर की। भाई मैच के बाद जो है स्मिथ ने इस बात को जो है कंफर्म कर दिया कि जो जॉस बटलर है वो भाई रॉयल्स के लिए अगले मुकाबले में अवेलेबल रहने वाले हैं। साथ ही में जो भाई स्मिथ ने ये कह दिया है कि जो बटलर है वो दोबारा से हम सभी को टॉप ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे, मतलब कि जो ओपनिंग है वो जॉस बटलर करेंगे अगले मैच से। इसका मतलब ये कि जो स्टीवन स्मिथ है वो शायद से नंबर 3 पे खेले और जो सैमसन है वो नंबर 4 पे खेल सकते हैं। बात करते हैं आरसीबी के बॉलर क्रिस मॉरिस की। तो भाई हम सभी लोग जो है सोच रहे थे आखिरकार जो मॉरिस है इनको आरसीबी की टीम ने क्यों नहीं खिलाया पहले मैच में, जिसके बाद जो भाई आरसीबी के माइक हैसन ने जो है ऐसा अपडेट दिया है कि जो क्रिस मॉरिस है उनको जो है भाई प्रैक्टिस के दौरान जो है साइड स्ट्रेन की इंजरी हो गई, इसके चलते जो है मॉरिस पहला मुकाबला नहीं खेले, और शायद से जो है क्रिस मॉरिस आने वाले 1-2 मैचेस भी मिस कर सकते हैं ड्यू टू साइड स्ट्रेन। अगर भाई वो ठीक हो जाते हैं तो हमको जो है मॉरिस आरसीबी के अगले मैच में भी खेलते हुए दिख सकते हैं, और जो डेथ बॉलिंग है आरसीबी की वो भी काफी अच्छी हो सकती है। बात करते हैं चेन्नई के कोच स्टीफन फ्लेमिंग की। तब यहाँ पे जो है सेकंड मैच के बाद जो भाई ऐसी अपडेट दी फ्लेमिंग ने कि आने वाले मैचेस में जो है फैफ डुप्लेसिस ये हम सभी को ओपन करते हुए दिखने वाले हैं। तब ऐसे में जो है शायद से जो मुरली विजय है इनको टीम से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि जो मुरली विजय उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी खास नहीं है, और जो डुप्लेसिस है वो ओपनिंग में और अच्छा कर सकते हैं ऐसा जो है चेन्नई की टीम को लगता है।
भाई जो आईपीएल 2020 का जो पहला मुकाबला हुआ था मुंबई और चेन्नई का, इसको जो है सारा मिला के जो है 20 करोड़ लोग से ज्यादा देख चुके थे पहला मैच। तो आप लोग जो है सोच सकते हो आईपीएल की बहुत धमाकेदार स्टार्टिंग हुई है। जो पहला मुकाबला था आईपीएल का मुंबई और चेन्नई का, इसको जो है लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। एट द एंड बात करते हैं हमारे इंडियन डोमेस्टिक सीजन की, तो भाई हम सभी को जो इंतजार है बेसब्री से कि आखिरकार कब हमारा इंडियन डोमेस्टिक सीजन चालू होगा, जिसको लेके जो भाई पोंडुचेरी, यहाँ पे जो है ऐसी अपडेट है कि अपनी जो है भाई पोंडुचेरी की जो भाई क्रिकेट एसोसिएशन है भाई, उन्होंने जो है ऐसा मतलब कि बोला अपने विशेषज्ञ को कि आप लोग जो है सारे जो है डोमेस्टिक मैचेस हमारे यहाँ पे जो है रखवा सकते हो पोंडुचेरी में। हम लोग ने जो है बायो बबल सिक्योर जो है तैयार किया है और सारे मैचेस जो है हम लोग पोंडुचेरी में बायो बबल के अंदर करवा सकते हैं। तब अभी देखते हैं इसको लेके बीसीसीआई क्या रिप्लाई करती है। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। आज जो है भाई जन्मदिन है अंबती रायडू का, जो कि काफी अंडररेटेड खिलाड़ी है। तो मैं जो है आपको फैक्ट इनके बारे में सुनाता हूँ। क्या आप सभी को पता है रायडू जो है भाई वो यंगेस्ट खिलाड़ी है भाई जिसने जो है रणजी ट्रॉफी के इतिहास में जो है एक ही मैच में डबल सेंचुरी और सेंचुरी मारी थी, जो कि सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी थे। मात्र 16 साल की उम्र में जो है भाई रायडू ने एक ही रणजी के मैच में डबल सेंचुरी मारी और सेंचुरी मारी थी। तो ये थी मेरी आज की न्यूज़ वीडियो और फैक्ट। मैं आपको मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।